खरसाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत शर्मा के आदेशों पर नशे के विरुद्ध अभियान के तहत सब इंस्पेक्टर जियाराम हठीला मई टीम ने सप्लायर कर्मी रामपुत्र बनवारीलाल बिश्नोई निवासी 17 LM को अनुगढ़ शाखा की 225 RD कुपली रोड पर रोककर तलाशी ली तो पजामा की जेब में 13 ग्राम ब्राउन शुगर पाई गई। आरोपी व साथी सुदेश श्री विजयनगर के विरुद्ध 821 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई है जिसमें उसने ब्राउन शुगर सुदेश अरोड़ा श्री विजयनगर बस स्टैंड से 5 मार्च को 18 ग्राम खरीदने का बताया। आगे की जांच रावला पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल को सौंप दी। पुलिस अधीक्षक महोदय हेमंत जी शर्मा जिला गंगानगर वरताधिकारी व्रत अनुगढ़ श्री रामेश्वर लाल जी मेघवाल वे हमारे SHO साहब श्री विजेंद्र शीला के निर्देशक के अंदर अधिक से अधिक लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया जिस पे मैं मन SI मेरे साथ नीलम जी हेड साहब रवि कुमार कांस्टेबल अनिल कुमार कांस्टेबल जगमोहन कांस्टेबल प्राइवेट साधन से मैं अनुसंधान बॉक्स लेकर के कंप्यूटर प्रिंटर और लैपटॉप भी साथ में लेकर के हम रवाना हुए। जब कोपी रोड पर पहुँचे तो जरिए मुख्य सूचना मिली कि 25 की पुड़िया की तरफ 6 DD की तरफ से एक व्यक्ति चिट्टा सप्लाई करने के लिए आ रहा है जिस पर मैं अपनी नई टीम के रवाना हुआ। जब मैं पुड़िया से करीब 50 मीटर पहले पहुंचा तो सामने से 6 DD की तरफ से एक व्यक्ति जिसके सफ़ेद पाजामा और कथैया कलर का जैकेट पहना हुआ दिखाई दिया। गाड़ी रोकी नीचे उतरे तो वर्दी में देख कर वो भागने लगा। उसे घेरा देकर मुलाजमानों की सहायता से मन IC कार्यों जैसे तुम रोका रोक करके उसको भागने का कारण पूछा तो एक दफ़ा तो उसने कुछ नहीं बताया। बाद में उसने बताया कि सब मैं कुछ सप्लाई किए जा रहा था। मैंने पूछा क्या सप्लाई करने जा रहा था तो उसने बताया कि स्प्रे वगैरह मैं सफाई करता हूँ और गत 3-4 महीनों से काम कर रहा हूँ। उसके तलाशी ली तो जेब में उसके पारदर्शी थैली के अंदर चिट्टा मिला जिसको इलेक्ट्रिक कांटे से भी खोला। उसका वेट 13 ग्राम हुआ। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम करणी राम पुत्र बनवारी लाल जाति उम्र 38 वर्ष निवासी 17 LM का निवासी बताया। इस प्रकार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व CO साहब अनुगढ़ व हमारे SHO साहब के निर्देशानुसार लगातार नशे के खिलाफ कार्यवाही रोकथाम के लिए कार्रवाई जारी रहेगी और अति शीघ्र अन्य और भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।